इजराइल कह रहा है कि जो हमास या इधर उधर जो आतंकवादी लोग हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उनको अगर वो कर रहा है कार्रवाई तो मेरे को लगता है ठीक है। अगर हम इजराइल का पास्ट देखें तो इजराइल लोगों के ऊपर जितना जुल्म हुआ है वो आज तक शायद किसी और के ऊपर हुआ ही नहीं। मानवता का विनाश हो रहा है ना, जो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, जो भी हो रहा है। इजराइल का कोई वजूद नहीं है, कोई उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। जो पॉपुलेशन उसकी वहाँ बढ़ रही है वो दूसरे की ज़मीन में बढ़ रही है, वो फिलिस्तीन की ज़मीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं लुधियाना आया हूँ और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इजराइल में हो रहा है नरसंहार, उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ आपको, पब्लिक से बात करके लाइव दिखाता हूँ आपको। सर आपका गुड नेम? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह, परमजीत सर ये बताएं, जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, गाजा पट्टी तो अब ध्वस्त होने पर जा रहा है, बहुत घमासान युद्ध हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय? सर देखो, जो भी हो रहा, मानवता का विनाश हो रहा है ना, जो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिसको इजराइल को तुरंत रोकना चाहिए और आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। क्या इनका क्या इनकी समस्या है, क्या इनके आपस में? आप ये बताइए कि पहला तो जो इस चीज को छेड़ने वाला वो हमास के आतंकवादी हैं, तो क्या आपको लग रहा कि आतंकवादी किसी भी देश के लिए, चाहे भारत हो चाहे अन्य कोई भी देश हो, उसके लिए ठीक हो सकते हैं? नहीं नहीं, आतंकवाद तो पहले से खत्म होना चाहिए, और अगर आतंकवाद के खिलाफ इनको इकट्ठा भी होना पड़े सारी कंट्री को तो अच्छा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो कुछ भी इजराइल ने किया वो ठीक किया गलत किया? इजराइल अपने यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसके बंदे बंदे बंधक बनाए हों उनको गुस्सा नहीं आएगा। नागरिक उसके 200 नागरिक से ज्यादा उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उनके खिलाफ तो अपने के लिए, अपने नागरिक के लिए तो उसको करना पड़ेगा ही, और अच्छा भी है। अच्छा सर ये बताएंगे, 200 से ज्यादा जो नागरिक बंधक बनाए गए, अभी दो नागरिक उन्होंने अमेरिकन जो थे उनको माँ बेटी को छोड़ा उन्होंने, हाँ, और 200 नागरिक जो अभी बंधक है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर युद्ध ऐसे रहा तो क्या आपको लग रहा कि जो उग्रवादी हैं वो उन लेडीज को, उन बंदों को छोड़ देंगे? 200? नहीं समझा आपकी बात, क्या बोल रहे हो? जो उग्रवादी 200 बंदे को किडनैप कर रखे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर युद्ध, घमासान युद्ध और चल पड़ा तो छोड़ेंगे वो? देखो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उनकी उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो क्या कैसे छोड़ेंगे। आतंकवाद तो आतंकवादी है ना, तो कुछ भी कर सकता है। ये बताइए कि जब उन लोगों का इतना गुस्सा है कि उन लोगों ने किडनैप कर लिया, बच्चों को मार डाला, तो आपको लग रहा है कि जो 200 है उनको छोड़ देंगे सही सलामत? नहीं, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हम छोड़ेंगे। प्रेशर का मतलब ये है कि सारी कंट्री उसके खिलाफ एक में हो जाए, एकजुट हो जाए, तो छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते वो। हिजबुल्ला उनके साथ है ना, हिजबुल्ला 3 अच्छा है, हाथी और हिजबुल्ला और ये हमास तीनों इकट्ठे हो गए हैं। अब ईरान उधर से, ईरान भी इनके साथ जुड़े गए और सब बहुत सारी कंट्री इनके साथ जुड़ गई है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम कंट्री है सिर्फ मुस्लिम वर्ग का पक्ष ले रही है, ना कि सच्चाई का साथ दे रही है? बिल्कुल, मुस्लिम कंट्री मुस्लिम का ही पक्ष दे रहे हैं, ले रहे हैं, सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं। यहूदियों का भी तो नुकसान कितना हुआ है, तो मुसलमानों के साथ दे रहे हैं। मुसलमान, हर मुसलमान ये समझे ना कि ये गलत है, तो सब इसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर वो समझेंगे ना, ये इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमन की जो सोच है ना, उसके उसके उल्ट चल रहे हैं वो सभी। तो आपको लग रहा है कि भारत को इसमें कुछ मदद करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन तो हर बंदे का, मेरा भी है, आपका भी है, अलग इंडिया का नहीं है ना, हम इकट्ठे होंगे तो इंडिया एक बनेगा ना, अभी इंडिया बना है तो हमें होना चाहिए। सर आपका गुड नेम? गगनदीप सिंह। गगनदीप सिंह, सिंह सर ये बताएं, जो हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा उस पर आपकी क्या राय? मेरे को इतना तो नहीं पता युद्ध क्यों हो रहा है, पर जो इसमें नुकसान होता है वो आम लोगों का ज्यादा होता है। मतलब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं, मतलब कितना जानी माल का नुकसान होता है, महंगाई बढ़ जाती है, मतलब वार से उभरने के लिए सालों साल लग जाते हैं। युद्ध करना तो बड़ा आसान है और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। देखिए आपने की उसका यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, वो भी अभी ठंडा नहीं पड़ा, दूसरा भी शुरू हो गया। मतलब साहब ये बताएं कि जैसे कि अभी इजराइल ने वहां के हॉस्पिटल पर मारा है, गाजा पट्टी में हॉस्पिटल पर मारा, जिसमें बताया जा रहा काफी संख्या में बच्चे मर गए, लेकिन वहां पर ये कह रहा है कि जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं इसमें पेशेंट थे, इजराइल कह रहा है नहीं इसमें आतंकवादी थे, इस पर आपकी क्या राय? जहां तक कॉमन सेंस की बात है, हॉस्पिटल में पेशेंट ही होते हैं, आतंकवादी कहाँ होते हैं? ये तो मैं कहूंगा कि ये उसकी गवर्नमेंट को, मतलब
मतलब शेम वाली बात है उनकी गवर्नमेंट के लिए, जो उसकी जो उनकी वो जो उसकी वो सेना उसको अथॉरिटी दे रही है हॉस्पिटल में बम गिराने के लिए। हॉस्पिटल में कॉमन सेंस की बात है, पेशेंट होते हैं, आतंकवादी थोड़ी ना होते हैं। कि लेकिन आतंकवादियों का तो कोई धर्म तो होता नहीं, तो कुछ भी उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं। तो साहब वो इजराइल कह रहा है कि इन लोगों ने आतंकवादी आके छिप गए और बाहर से 30,000 पब्लिक को लाके इकट्ठे कर दिए थे ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। तो आप पर इस पर आपकी क्या राय है? पर कोई सेंस वाली बात नहीं है ना ऐसे सर, मतलब ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, मतलब जो आतंकवादी गवर्नमेंट से ऊपर हो गए हो। सर आपका गुड नेम? बीएस कश्यप। कश्यप से आप ये बताएं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है हमास का, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए जो ये युद्ध हो रहा है वैसे तो युद्ध ठीक नहीं होता, किसी का भी हो किसी देश का भी हो, युद्ध में बर्बादी होती है तो प्रॉफिट तो होता नहीं किसी को। लेकिन फिर भी जो इजराइल कह रहा है कि जो हमास या इधर उधर जो आतंकवादी लोग हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उनको अगर वो कर रहा है कार्रवाई तो मेरे को लगता है ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो पहले तो शुरुआत हमास ने किया है और हमास निर्दोष बच्चों तक को नहीं इन्होंने बख्शा है, और अब इन लोग अब ये लोग मानवता की राग अलाप रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? ऐसा है जैसे मान लो हमास ने पहले गलती की होगी, अब अगर इजराइल कर रहा है तो अगर सांप को मारा जाता है तो उनको सांप के बच्चों को मारने में भी क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं है, वो बड़े होके वो भी आतंकवादी बनेंगे जो आतंकवादियों के बच्चे, ये गलत है क्या? बिल्कुल ऐसा जो भी किसी भी कंट्री में जहाँ भी आतंकवादियों का अड्डा है पूरी दुनिया को मिलके पूरी दुनिया के देश को मिलके उनको ख़त्म करना चाहिए। साहब ये बताएं कि पूरी मुस्लिम कंट्रियाँ एक हो गई हैं, इजराइल में सिर्फ यहूदी एक ही कंट्री है जैसे भारत में हिंदू हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर सारे मुस्लिम कंट्रियाँ जिस तरह से एक राग अलाप रही हैं, बच्चे बोल रहे हैं, तो इसराइल पर भारी पड़ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये फोकली धमकियां देने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुराई लाखों भी इकट्ठी हो जाए तो अच्छाई है कि बहुत होती है। अब देखिए रावण के साथ कितने लोग थे और प्रभु राम के साथ वानर सेना थी, कर ली बुराई पे विजय, एक एक को चुन चुन के मारा प्रभु राम ने। इसी तरह ऐसे लोग जो आतंकवादी हैं उनका अंत तो होगा ही कभी ना कभी। ये बताइए कि वो तो ठीक बात है, लेकिन जो फिलिस्तीन है हमास के जो गाजा पट्टी के लोग हैं इनके साथ तो मुस्लिम जो कंट्री हैं काफ़ी पावरफुल कंट्री भी हैं, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहुत सारी कंट्रियां हैं। अब तो रूस भी उनके साथ कहीं ना कहीं से दिख रहा है, चाइना जो ऑलरेडी तो है ही है, सपोर्ट कर ही रहा है, इस पर आपकी क्या राय, इनके क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो सब लोग बोल रहे हैं, जब आमने सामने आएंगे तब पता चलेगा ना, बोलने का बात और होता है जब साथ खड़े हों बात और होता है। सर आपका गुड नेम? हरप्रीत सिंह बग्गा। बग्गा साहब ये बताएं जो फिलिस्तीन और इजराइल का इस समय युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना? उसमें सर ऐसे अभी महंगाई की मार बहुत पड़ रही है आम पब्लिक को, जो बंदा गरीब वर्ग की रेखा में 10-20-30 हज़ार रुपये महीने की, वो तो एक किस्म का मरे के बराबर है, वैसे ही वो ख़त्म है, मतलब उसका कोई मतलब है नहीं जी। वो बच्चों का देखेगा या अपना देखेगा या अपनी रसोई देखेगा या अपना क्या देखेगा, बहुत फर्क पड़ रहा है, मतलब आर्थिक मंदी पे बहुत असर पड़ रहा है जी। बाजार में ये पोजीशन है भी, मतलब बिल्कुल कामकाज ठप है, बिल्कुल जीरो है। जो बड़ा वर्ग का व्यापारी है वो और आगे ऊपर जाई जा रहा है जी। जो मीडियम वर्ग का व्यापारी है जो नीचे, वो नीचे आई जा रहा है। इसमें आगे देखो मंदे की मार और पड़ेगी, बहुत बुरी मार पड़ेगी। साहब ये बताइए कि जो इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, वो तो अभी थोड़े दिन से चालू हुआ, तो क्या आपको लग रहा है कि उस युद्ध का इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, महंगाई अपने आप देख लो बढ़ेगी। अब प्याज मेरे ख्याल में 50-60 रुपये किलो पर पहुँचे हुए हैं, तो आम बंदा क्या करेगा? ये सारी मतलब वही प्रॉब्लम है। तो सर अभी तो ये है कि इतने बड़े स्तर का युद्ध तो नहीं है कि जो महंगाई हमारे यहाँ उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ना चालू हो गया? वो पड़ेगा, होली होली दिखाई देगा, जैसे लॉकडाउन में आपको असर दिखाई दिया ना, होली होली दिया, नोटबंदी में होली होली दिया, तो इसका असर भी आपको होली होली दिखाई देगा। तो आपको लग रहा है कि इस पर भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जो कि हमारे यहाँ इसका प्रभाव ना पड़े? भारत सरकार तो ये मोदी जी बिल्कुल जीरो है, जब तक ये हमारे देश में मोदी जी बैठे हैं हमारे देश का कुछ नहीं होगा। साहब ये बताइए
कि मोदी जी की पूरी दुनिया में इतनी प्रशंसा है, इतने पावरफुल नेता माने जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीरो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा ओपन बताइए हमारे दर्शकों को। ये तो बाहर वाले मुल्कों में जाके देखो ना क्या है, हमारे हिंदुस्तान में जो वही उनके अंधे भक्त हैं वही गुण गा रहे हैं। साहब ये बताइए, पीछे हम अभी अरे 2-3 महीने पहले एक सिंह साहब मिले थे जो जिनका बिजनेस है, 1-2 पर्सन और मिले थे जो फॉरेन कंट्री में बिजनेस करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बराबर फॉरेन कंट्री से हम आना जाना होता रहता हमारा, बोले पहले और आज की, पहले के और आज में इतना अंतर है कि पहले अगर हम जाते थे तो हमको कहीं एक साइड में खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन आज मोदी जी हैं, एक सिंह साहब थे वो बताए हमसे कि मोदी जी के आने से हमारा इतना डेवलप हो चुका है कि हम जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, इस पर आपकी क्या राय है? वो ऐसे है ना भी, जो मीडिया है, मीडिया सारा इनका अपना है, वो जो दिखाएंगे लोगों को वही होगा। साहब ये बताएं कि मीडिया कोई भी, हमको नहीं लगता है कि मीडिया किसी से कोई पैसे खाते, मीडिया तो वही जो आप बोल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, तो बताइए हमारी क्या इसमें गलती है? मीडिया ऐसा नहीं कर रही है। कैसे? कोई भी मीडिया किसी से पैसे नहीं खा रही है, लेकिन ये है कि मीडिया का जो सच्चाई है वो तो मीडिया दिखाएगी, और हमारा काम बनता है ना चाहिए वो आपने दिखाना, अच्छी बात है, दिक्कत कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैं आपसे क्वेश्चन किया है पहले भी, जो गरीब वर्ग का व्यापारी, छोटा व्यापारी है, वो नहीं ऊपर उठ रहा है, आम बंदा दब रहा है, यही सारा जंग का ही असर है। सर आपका गुड नेम थोड़ा तेज बोलिए। माय सेल्फ परमिंदर सिंह, परमिंदर सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध में बारे में ये बता सकता हूँ, कोई भी हमारा धर्म है, अगर हम सिख धर्म को बिलोंग करते हैं या हम मुस्लिम को बिलोंग करते, सबसे पहले तो हमको जब गुरु नानक देव जी, उन्होंने हमको ह्यूमैनिटी का सिखाया कि मानवता का धर्म है, अगर हम अपने धर्म से ऊपर उठ के किसी की मानवता की हमको सेवा का संदेश दिया, अगर ऐसे ये जो पॉलिटिकल जंग हो रही है, हमको तो ये लगता है जो वर्ल्ड वाइड जो लोग पैसा कमा रहे हैं, आम गरीब लोग हैं जो दब रहे हैं, पूरी दुनिया का पैसा सिर्फ इस टाइम 2-3% के लोगों पे बंट रहा है, और 97% इस टाइम लोग सिर्फ हैंड टू माउथ हैं, और इस टाइम जो इसराइल और फिलिस्तीन, एक मुलिस्ता मुस्लिम वर्ग और एक यहूदी वर्ग, वो दोनों आपस में दो देश आपस में लड़ रहे हैं, पिस कौन रहा है? आम पब्लिक। और इसराइल ने फिलिस्तीन लोगों को बोला कि आप इस साइड पे चल जाओ, आप इस तरफ सेफ हो, और उसी तरफ उसने बॉम्ब निकाल दिया, और मीडिया बोल रहा है कि अब 3,000 या 4,000 लोग मरे हैं, जो गैस बता रहा है उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि कितने लोग इस टाइम मर रहे हैं, कीड़ों की, कीड़े मकोड़े की तरह मर। अच्छा साहब ये नहीं, आप इस चीज़ का दुख हम बता नहीं सकते, सिर्फ भगवान के आगे प्रेयर कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी दुनिया में शांति बहाली हो। साहब ये बताएं कि इस चीज़ का शुरुआत तो आतंकवादियों ने किया है ना कि इसराइल तो पहले नहीं किया, उन्होंने पहले निर्दोषों पर गोलियां मारी और उनके साथ इतना बर्बरता दिखाया, तो इस पर आपकी क्या राय है? उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक लोगों की सज़ा जो है आम पब्लिक को कितनी पड़ रही है, ठीक है ना, उसमें पूरे के पूरे मतलब आटे के साथ जैसे हम बोलते हैं घुन पिस रहा है, मतलब सज़ा आम लोगों को मिल रही है। तो साहब ये लग रहा है, अब ये बताइए कि जितने मुस्लिम वर्ग हैं वो तो टोटल फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, तो अगर उनके अंदर इतनी ह्यूमिनिटी है तो वो क्यों इस इजराइल के साथ नहीं आ, या तो इजराइल के साथ भी कुछ खड़े होते कि नहीं भाई वो भी गलत किया, उन्होंने शुरुआत क्यों किया, तो वो तो ये मानवता तो कहीं दिखा नहीं रहे, वो तो बिल्कुल एक पक्ष अपना ले रहे हैं, इस पर क्या राय? नहीं सर, हम इसराइल को गलत नहीं बोल रहे, इसराइल को ऐसे कहते हैं कि अगर हम इसराइल का पास्ट देखें तो इसराइल लोगों के ऊपर जितना जुल्म हुआ है वो आज तक शायद किसी और के ऊपर हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहूदियों के ऊपर बड़ा जुल्म, जो अपना हिटलर था वो उनकी आधी कौम उन्होंने खत्म कर दिया, और जब उनका एक धर्म गुरु था उसने कहा कि आप मेरे को किसी डेड बॉडी डिक्लेयर कर दो, और उसने अपने जब भी डिक्लेयर करता, जब तक हमारा अपना देश नहीं होता तब तक हमारी कौम बच नहीं सकती, उन्होंने सबसे पहले अपने देश के लिए अपना किया। जो इनकी आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो बड़े देश हैं, जैसे कुछ लोग अपनी राजनीति की गेम भी चल रही है, अगर इसको अपने धर्म से, अपने देश से ऊपर उठ के मानवता के लिए, इसको जैसे चार बंदे समझदार टेबल पे बैठ जाएं, और दोनों को सीनियर बंदे बैठ के अगर उसको सॉर्ट आउट करें तो ये इसका सलूशन निकल सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहूदियों को परेशान किया जा रहा है, या यहूदियों के साथ बेइंसाफी हो रही है, ऐसा फील कर रहे हैं?
नहीं सर, यहूदियों के साथ बेइंसाफी नहीं हो रही, जैसे मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा कि अंदर की गेम क्या है, अंदर की गेम क्या है कि पॉलिटिक्स हो रही है या क्या हो रहा है, या मतलब इस हो सकता है कि एक ग्रुप ने जिसे उसने पहल की कि यहूदियों का एक फेस्टिवल था, एक छुट्टी का दिन था उसका, वो लोग अपनी खुशी मना रहे, जैसे हम लोग दिवाली मना रहे हैं, इधर हमारे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए उसमें मैं मर जाऊं या कोई मेरा अपना बच्चा मर जाए, उसको मैं देख सकता हूं ना कि मेरे को क्या दुख हुआ है। वो लोग जिसके साथ इस टाइम बीत रही, हमको पता है कि फिलिस्तीन में या उस लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि मतलब कि वो लोग अस्पताल में, उनके पीले पानी नहीं है, इस टाइम बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, वो लोग भूखे पैसे मर रहे हैं, उधर भी जुल्म हो रहा है, उधर भी जुल्म हो रहा है, तो किसको हम गलत कहें या किसको सही कहें। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद सलीम। ठीक है जी। मोहम्मद साहब ये बताएं कि जो इज़राइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? उसमें मेरी राय ये है कि जो इज़राइल है फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, मस्जिद अक्सा जो है फिलिस्तीन का मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उस पर जो इज़राइल अटैक कर रहा है वो नाजायज कर रहा है। साहब ये बताएं कि पहले हमास के जो आतंकवादी हैं इज़राइल के मासूमों को जो मारे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? हमास के जो लोग हैं वो आतंकवादी नहीं हैं, वो तो अपनी हिफाजत करते हैं, अपनी सेफ्टी करते हैं। ठीक है साहब, अगर सेफ्टी की है, लेकिन जो लोग इंजॉय कर रहे थे किसी फेस्टिवल का, वहाँ बच्चे औरतें तो कुछ नहीं कर रही थी, अगर उनको अपना जो भी मस्जिद जो भी है उसको गवर्नमेंट से लड़ाई करना है कि मासूम बच्चों को मार दिए, वो एक कोई मानवता के अंदर आता क्या? मासूम बच्चे या औरतें को उनका निशाना बनाना मकसद नहीं होता, तो जब कोई ऐसा अटैक होता है, इसराइल की तरफ से भी अटैक होते हैं, जो भी सामने आ गया वो उसकी जद में आ गया। नहीं साहब ये बताएं, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने किया है ना? शुरुआत तो सर आज से नहीं, बहुत पहले से हुई हुई है, इसराइल शुरू से ज्यादती कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी जब इसराइल से युद्ध हुआ, इसराइल ने अपना ऑपरेशन चलाया है, तो जितनी मुस्लिम कंट्री है सब इकट्ठे हो गई हैं कह रहे हैं कि हम ये तो गलत हो रहा, लेकिन जिस दिन हमास ने, देखिए मासूम बच्चे और औरतें क्या बिगाड़ रहे थे, उनको तो अपना एंजॉय करने आए थे, किसी धर्म का उससे कोई मतलब नहीं होता, तो जिस दिन उन लोगों ने अत्याचार किया था उस दिन ये लोग क्यों नहीं, मुस्लिम कंट्रियां क्यों नहीं बोली, इस पर आपकी क्या राय है? आप अभी फिर वहाँ गए, आ गए उसी मुद्दे पर, आ गए बच्चों के और लेडीज़ के मुद्दे पर। इसराइल ने भी ऐसे पहले बहुत से अटैक करे हैं जो हमास के फिलिस्तीन के बच्चों का कत्ल करा है, बच्चों को और लेडीज़ को औरतों को मारा है, उस पर तो कभी आपने इस पर बिल्कुल साहब हम बोलते हैं क्यों, अभी उन्होंने हॉस्पिटल पर अटैक किया, हम लोगों ने पूरा कवर किया है, उस पर भी बोलेंगे क्यों नहीं, हम किसी के बिके तो नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे आप हों, चाहे जितना आप प्रिय हैं उतना हिंदू, उतना सिख, उतना ईसाई, यहूदी, सब बराबर है, मीडिया है, किसी का फेवर नहीं करते। लेकिन साहब जो सच्चाई है वो तो यही है कि इन लोगों ने शुरुआत अब की इन्होंने किया है, इस पर आपकी क्या? इन्होंने अब करी है, जब करी फिलिस्तीन जब जास्ती कर रहा था, शुरुआत कर रहा था, जब आप कहाँ थे ये भी बताओ ना सर, उस टाइम तो मीडिया कोई नहीं आई सामने। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पहले उन्होंने अटैक किया, पहली बात तो उनसे पहले यहूदियों ने अटैक किया सर, अब जो उनके माँ बाप बच्चे बूढ़े जवान जो मरे उनका जिम्मेदार कौन होगा? साहब ही बताएं कि जब हमास का अब की उन्होंने हमास वालों ने अटैक किया आतंकवादियों ने, तो मुस्लिम कंट्रियों ने बोला ही नहीं है, कोई किसी ने नहीं बोला कि भाई तुमने ऐसा पहली बात गलत काम क्यों किया, इन्होंने अपनी मानवता क्यों नहीं दिखाई भाई? ये इसलिए नहीं बोल रहे कि पहले इसराइल ने बहुत अटैक करे हैं, आपको तो पता ही है कब से युद्ध चला रहा है, कब से चल रहा है सिलसिला, उन्होंने भी अटैक बहुत करे हैं, पहले भी मुस्लिम कंट्रियाँ नहीं बोली सर। अच्छा आपसे एक छोटा सा ऑप्शन है, आप ही बतलाओ, आप पंजाब के रहने वाले हो ना, अगर सर कोई अदर स्टेट का आपके पंजाब के अंदर आकर आपसे थोड़ी सी हेल्प मांगे और आपसे कहे कि मैं आपके पंजाब के अंदर अपनी नागरिकता चाहता हूँ और यहाँ की सीएम सरकार जो है उसे नागरिकता दे दे, तो सर आप मुझे बताइए कि उसका क्या फ़र्ज बनता है कि इसकी जो नमक खरा इसकी नमक हलाली करे नमक हरामी करे? नमक हलाली करना चाहिए नमक हरामी, तो सर आप उस इसराइल से पूछिए उसने नमक हरामी क्यों की जब उन्होंने उसे रहने के लिए 2 गज ज़मीन दी, तो सर पहली बात तो ये कि उसने दूसरे घर पर कब्ज़ा किया। अच्छा साहब ये बताएं आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद जी ये बताएं सलमान साहब कि जो इसराइल है तो क्या फिलिस्तीनियों की जगह पर है? इसराइल जी सर बिल्कुल। क्या वहाँ यहूदियों का कोई जगह नहीं थी? नो सर कोई जगह नहीं यहूदियों की, यहूदी तो वहाँ से ख़त्म हो चुके थे। अच्छा पहली बात तो है कि वहाँ पे थी ही नहीं यहूदी। अच्छा तो उससे पहले जो हमारे और जो अंबिया गुजरे उनकी कब्रें हैं और भी बहुत सारी जगह है जो वलीउल्लाह वहाँ पे दफन है। अच्छा इसराइल का तो सर नाम नक्शा कुछ था ही नहीं,
अब जो कुछ उसने दूसरे घर पे कब्जा। अच्छा साहब ये बताएं कि जो यहूदी थे, यहूदियों का नाम शायद कुरान शरीफ में भी होगा या बाइबल में भी, मैं देखा हूँ कई बार पढ़ने में आता कि यहूदियों, तो यहूदी पहले रहा तो करते थे ना, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सर? यहूदी पहले तो दुनिया में थे ना, उनका आप सर मेरी बात सुनो, आयु तो बहुत लंबा मुद्दा चले जाएगा अगर मैं आपको पूरी बतलाऊँ, वक्त भी कम है और सर आप शायद कि मेरी बात सुन भी नहीं पाओगे। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद सलमान। तेज बोलिए। मोहम्मद सलमान। सलमान जी ये बताएं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है उस पर आपकी क्या राय? उस पर राय ये है कि वो जो बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ। जो बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है वो गलत हो रहा है। इजराइल जो टेररिज्म कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की जान ले रहा है, जिनोसाइड जो हो रहा है वहाँ पे खुलेआम, और कोई देश उस पर बोलने को तैयार नहीं, और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भी जो है उनका साथ दे रही हैं, ये बहुत शर्म की बात है। साहब ये बताएं कि जिस टाइम हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष बच्चों को मारा है, बच्चों को लाश गिरा दी, औरतों का पेट फाड़ के गर्भवती औरतों को बच्चा निकाल के टुकड़े टुकड़े किया है, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्यों नहीं बोले फिर? ये मालूम तब पड़ेगा जब हम आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ अगर आप होंगे उन्होंने किया है कि नहीं तो मीडिया ने दिखाया। और दूसरी बात ये तो मीडिया दिखा रही है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। साहब ये बताएं कि अब की बार जो खास करके हमास वालों ने जो आतंक अटैक किया है, जो कि निर्दोष लोग तो एंजॉय कर रहे थे, अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, जो भी उनका फेस्टिवल था उस पर तो उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हमारे आप जैसे नागरिक थे, तो उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, तब आप क्यों नहीं बोले बताएं इस पर? किनके ऊपर पूछ रहे हो? जब हमास के आतंकवादियों ने यहूदियों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, उसी से झगड़ा हुआ, दो हज़ार बंदों को मार दिया, तो उस पर आपकी क्या राय है? आप क्यों नहीं बोले फिर? आप एज ए मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बताएं इस पर आप। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, पहले तो क्या है कि इसराइल जो है अपने जो है ज़मीन पर नहीं है, इसराइल का कोई वजूद नहीं है, कोई उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो पॉपुलेशन उसकी वहाँ बढ़ रही है वो दूसरे की ज़मीन पर बढ़ रही है, वो फिलिस्तीन की ज़मीन है। साहब ही बताएं कि जिसका कोई ज़मीन नहीं है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, क्या उसको आप काट डालेंगे? उनकी औरतों को पकड़ के, उनका पेट फाड़ के, उनके बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे? यही हमारी इंसानियत सिखाती है, इस पर आपका क्या राय है? वो तो सर दोनों तरफ से हो रहा है, लड़ाई से एक बंदे का ना हमास का फायदा है ना इसराइल का फायदा, नुकसान दोनों का है। तो अब इसराइल उल्टे ऑपरेशन चला रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल भी अटैक कर दिया इन्होंने, जो कुछ भी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय? सर ऐसे है, जो भी हुआ वो तो बहुत गलत रहा है, हमास ने पहले अटैक किया है इसराइल पे, इसराइल बड़ा वैसे मुल्क है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसराइल अब दलेर आदमी बहुत सारे, उन्होंने फिर आगे जवाब तो देना ही है ना। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से राय जानना चाहा और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, तो दोस्तों अब आज का ये न्यूज मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।